हर हर शंभू गाना पूरे देश में खूब चला। सावन माह में हर हर शंभू गाने की गूंज हर घर हर गली हर मोहल्ले में गूंजी। इस गाने को लेकर कई सामुदायिक विवाद भी खड़े हुए, क्योंकि इस गाने को फरमानी नाज ने गाया और उन्हीं के नाम से इस गाने को चलाया गया, लेकिन इस गाने की असली गायिका अभिलप्सा थी। फरमानी नाज ने इस गाने को गाया तो लोगों ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया, लेकिन इसका श्रेय असली हकदार अभिलप्सा है। अभिलप्सा उड़ीसा की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर फौजी हैं और माँ टीचर हैं। सिंगिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए अभिलप्सा को हमेशा उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। अभिलप्सा को कला विरासत में मिली है। उनके दादा वेस्टर्न उड़ीसा के जाने माने कलाकार रहे। वे आसपास के इलाकों में हारमोनियम बजाने के लिए काफी फेमस थे। दादा से ही उन्होंने 4 साल की उम्र में क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। अभिलप्सा की माँ क्लासिकल डांसर हैं, पिता भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हर हर शंभू गाना किस तरह से मिला और कैसे गाया गया, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। अभिलप्सा ने 2007 में आए रियलिटी शो उड़ीसा सुपर सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था। साल 2017-18 में हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल के लिए गवर्नर्स ट्रॉफी जीती थी। हर हर शंभू को मिली सफलता पर अभिलप्सा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका गाना आज की जनरेशन ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी पसंद कर रहे हैं। हर धर्म के लोगों को गीत पसंद आया। अभिलप्सा के कराटे के टीचर ने जीतू शर्मा से मिलवाया था। दोनों की मीटिंग हुई और इस गाने पर बात हुई। फिर इनकी रिकॉर्डिंग अभिलप्सा और जीतू शर्मा ने की और इस गाने को गाया। हालांकि इस गाने को गाने के बाद इन्हें भी काफी फेम मिला था, लेकिन जो फेम फरमानी नाज को मिला कहीं न कहीं उस फेम से अभिलप्सा वंचित रह गई।